हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मना गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्वक हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर झंडा तोलन किया गया। बताता चलूं कि अनुमंडल अंतर्गत कर्पूरी मैदान में अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं अनुमंडलीय पुलिस कार्यालय में डीएसपी पूज्य प्रकाश ने, प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रतन कुमार ने, अंचल कार्यालय पर अंचल पदाधिकारी नंद कुमार राम ने, हुसैनाबाद नगर पंचायत कार्यालय पर नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने, हुसैनाबाद थाना में थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने, हुसैनाबाद पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय पर निरीक्षक संजय रवि टोप्पो ने, महिला थाना में महिला थाना प्रभारी सूर्यबाला भृंगराज ने झंडा तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल के अलावा अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, हुसैनाबाद मदरसा खैरुल इस्लाम, महावीर जी भवन, उर्दू मध्य विद्यालय, हिंदी मध्य विद्यालय, सैनिक कार्यालय पर भी हर वर्ष की तरह झंडा तोलन किया गया। वादे करता चलूं कि चार धाम सह भाजपा नगर अध्यक्ष अजय प्रसाद गुप्ता के मातृ प्रीत स्मारक पर प्रगतिशील पत्रकार मंच के अध्यक्ष सैयद नौशाद उर्फ गुड्डू ने झंडा तोलन किया। मौके पर कई पत्रकार भी उपस्थित थे। तो वहीं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने जेपी चौक पर झंडा तोलन किया। इस अवसर पर कई जगह उपस्थित दिखने वालों में वरिष्ठ समाज सेवी जेएमएम नेता एजाज हुसैन उर्फ छेदी साहब, अब्बास अंसारी, गुलाम मोहम्मद अमीन अली खान, पूर्व नगर अध्यक्ष रामेश्वर राम, नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, बहन उषा देवी, अधिवक्ता प्रेमतोष सिंह, मधुलता रानी, संजय कुमार सिंह, हिंदी टाइपराइटर प्रदीप कुमार राम, एनसीपी कार्यकर्ता रहमान राइन, वार्ड पार्षद सुहेल आलम, वार्ड पार्षद राजेंद्र पाल, वार्ड पार्षद अर्जुन गुप्ता, कांग्रेस के झारखंड अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव हसनैन जैदी के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल देखे गए।